शुक्र है खुदा का, उसने हमारी दुआ सुन ली। इस आकाफंदी ने तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कौसम, मेरा मालिक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तुम्हें अफसुरदा ना देखू मैं। तुम मुस्कुराओगे तो मैं मुस्कुराऊंगी, बस मैं तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ। अल्लाह की रजा से हम इस मुसीबत को भी हरा देंगे। कौसम, मैंने शहजादी दिलरुबा और दाऊद पाशा की शादी का फैसला किया है। सारे इंतजाम तुम संभालना। मैं चाहता हूं कि इस शादी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। दाऊद पाशा? मैंने तो सुना था हलील पाशा से होगी। मैंने दिलरुबा की राय लेना मुनासिब समझा कौसम, और उसकी खुशी इसी फैसले में थी। उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं जानती हूं जब बात आपके चाहने वालों की हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं अहमद। मुबारक हो शहजादी। खैरियत है मनिक्षे, क्या हुआ? हमारे आका ने आज दीवान में आपकी शादी का ऐलान किया है। अनकरीब आपका निकाह दाऊद पाशा से होगा। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र। सुना आपने वालिदा? क्या कह सकते हैं, बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ये फैसला खैर का वसीला हो। आप परेशान ना हो, दाऊद पाशा अच्छे दामाद साबित होंगे इंशाल्लाह। मुझसे क्यों पूछ रही हो मलिकी? मुझे क्या मालूम सिकंदर के साथ क्या होगा? क्या मैं उसके पास जा सकती हूँ, एक आखिरी बार तो देख लूँ उसे? क्यों जिद कर रही हो मलिकी? कितनी बार समझाया तुम्हें, लेकिन हर बार तुम्हारी एक ही जिद होती है। मेरी सुल्तान, आपके लिए हरम के दस्तावेजात लाई थी, शायद आप देखना चाहें। अभी दस्तावेजात को छोड़ो जन्नत, आका के लिए इलाज मिल गया है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई सुनके, वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। एक खबर और भी है मेरे पास। हमारे आका ने दिलरुबा और दाऊद पाशा के निकाह का फैसला कर लिया है। बहुत दिनों से महल में खामोशी है खासी। तुम फौरन जाओ, हलीमा सुल्तान से बात करो और शादी की तैयारियां शुरू करो। और हाँ, दर्जी को खबर कर दो, शादी के लिए खास जोड़ा तैयार करवाना चाहती हूँ। जी मेरी सुल्तान। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत खुश आमदीद, यहाँ आकर आपने मुझे इज्जत बख्शी। आपका हुनर काबिले तारीफ है, आपने हमें कभी मायूस नहीं किया, उम्मीद है इस बार भी नहीं करेंगे। हुक्म कीजिए मेरे आका। कौसम सुल्तान को हम एक तोहफा देना चाहते हैं जो बहुत खास और नायाब हो, लेकिन वक्त कम है आपके पास, लिहाजा जितना जल्दी हो सके हमारी खिदमत में पेश किया जाए। मैं कुछ तस्वीर बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, फिर आप खुद पसंद कर लीजिएगा। सिर्फ 2 हफ्ते हैं आपके पास, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। यह कैसे होगा मेरे आका? यह आपका मसला है, अपनी पूरी महारत दिखाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। जरूरी ऐलान सुने, शहजादी दिलरुबा की वजीर सानी दाऊद पाशा से शादी की खुशी में हमारे बादशाह सुल्तान अहमद खान ने
तमाम रियाया को दावत पे बुलाया है। सुल्तान अहमद जिंदाबाद। जुल्फिकार आओ यहां बैठे। सर्दियां करीब आ रही हैं मेरे आका, कह रहे हैं इस साल बहुत ठंड होगी, हम ये शादी बाहर में क्यों नहीं कर सकते मेरे आका? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जुल्फिकार, कब धोखा दे जाए। अल्लाह रहम करे मेरे आका, तौबा कीजिए, इंशाल्लाह बहुत बहारें देखेंगे। मेरी एक गुजारिश है, आप अपनी तालीमात और पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दें शहजादे। कोशिश मेरी पूरी है। हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए शहजादे, कोई नहीं जानता कल कैसा वक्त हो। आप जानते हैं हमारे आका ने आप ही की उम्र में तख्त संभाला था। खैरियत तो है लाला, ये बात कहां से आ गई? आप ही ने तो कहा था कि आप तरबियत के लिए जाना चाहते हैं, यही वक्त है आप रुतबा संभालने। मेरे आका ये कैसे हो सकता है? ये बीमारी आखिर कहां से आ गई? हकीम क्या कह रहे हैं? क्या कोई उम्मीद नहीं है मेरे आका? उम्मीद सिर्फ एक ही है और वो है मेरा रब, लेकिन हम हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए तदाबीर ले लेनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं जुल्फिकार, और तुम उनमें से एक हो। मेरे आका, मेरी औलाद और कौसम तुम्हारे पास अमानत है, हर हाल में तुमने उनकी हिफाजत करनी है जुल्फिकार, उनके बीच कभी नफरतें पैदा मत होने देना। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे आका? आप देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा आका। शायद मेरे रब की यही मर्जी है जुल्फिकार। जो तकदीर में लिखा हुआ है वो हम नहीं बदल सकते, दुआ कर सकते हैं, रहम मांग सकते। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जुल्फिकार। हुक्म कीजिए मेरे आका, हुक्म कीजिए। सिकंदर के बारे में एक फैसला किया है, उस्मान के साथ आजकल तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? हमारी मुलाकात ही नहीं होती, लगता है अब शायद हो भी ना। सुना है उस्मान भाई तरबियत के लिए जाने वाले हैं, जरूर उन्होंने बात की होगी आपसे, तो क्या वाकई जा रहे हैं? हाँ, उसने मुझसे बात की थी कि वो जाना चाहता है, लेकिन अभी वक्त है, इतनी जल्दी भी क्या है, जब वक्त आए तो तुम दोनों चले जाना, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहे इस महल से चली भी जाऊं, लेकिन हमेशा आपके साथ हूं, आपसे मिलने आती रहूंगी मैं। शुक्रिया, मेरी दुआ है कि खुदा आप जैसी बहन हर एक को दे दिलरुबा। आमीन मेरे प्यारे भाई।
बहुत मुबारक हो दिलरुबा। मेरी प्यारी बेटी, मुफ्ती असद आफंदी तुम दोनों का निकाह पढ़ाएंगे। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। आमीन। तैयार हो जाए शाह, आज शाम आपको यहां से रवाना होना है। इजाजत। दिलरुबा मेरी बहन, खुदा बुरी नजर से बचाए, मेरे फैसले से खुश तो होना। दुआ है तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगी, आपने तो खुशी दी है मुझे भाई। साया हमारे सरों पर सलामत रखे। हम कहां जा रहे हैं? महले हुमायूं, आका ने आपको बुलाने का हुक्म दिया है। यकीनन तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका शहजादे सिकंदर, बेहतर होता अगर मेरी बात मान लेते। बिलाखिर हम कामयाब हो गए शहजादी। वो भी दूसरी बार पाशा, दोबारा जो निकाह हुआ है, और इसे हर किस्मत भूलिएगा, आपने मुझसे दोबारा से वादा किया है। अगर ये ख्वाब है तो मैं दुआ करता हूं अपने रब से कि मेरी आंखें कभी ना खुलें शहजादी। ये ख्वाब नहीं है पाशा, हकीकत है, और हमारे लिए ये आखिरी जाड़ा होगा। इसके बाद बहार होगी। तुम सब यहीं रुको। इजाजत है। इस मामले की जब से मुझे हकीकत मालूम हुई है सिकंदर, मैंने काफी सोचा। और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा
कि तुम बेगुनाह हो सिकंदर। जहां बख्शी की जाती है ने जान बख्शी करके इस गुलाम पर रहम किया। लेकिन अब तुम्हारा पाया तख्त में रहना नामुमकिन है। मैंने फैसला कर लिया है जुल्फिकार, सिकंदर को मोरा के सूबे अहम ओहदे के साथ भेजा जाए। और तुम इसे लेकर फौरन रवाना होगे। आपका फरमान सर आंखों पे मेरे आका। आप जैसा मुनासिब समझे मेरे आका। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है मैं उसे कभी ना तोड़ूंगा। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा मेरे आका, कसम खाता हूं। मैं भी तुमसे यही चाहता हूं सिकंदर, सदाकत। क्या आपको घोड़े बहुत पसंद हैं? दाना कहते हैं कि घोड़े जिंदगी और जोश की अलामत होते हैं, इसीलिए अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं? तुम्हारी मिसाल अलग है मिशाल सीमा, तुम तो मेरी मोहब्बत का सितारा हो। ये इतने प्यारे घोड़े किसके हैं? हमारे आका के हुक्म से ये घोड़े खास तौर पे मंगवाए गए हैं शहजादे। मिशाल सीमा, इन घोड़ों को देखो कितने खूबसूरत है ना। सिकंदर, आका ने मेरे बारे में हुक्म दे दिया है, मेरी जान बख्श दी है उन्होंने। जैसा आप चाहती थी मैं इस महल से जा रहा हूं। उस रात कहा था ना कि पाए तख्त से चला जाऊंगा मैं, लेकिन आपने क्या किया मलिका, मेरी मुखबरी की। आप चाहती थी कि मैं मर जाऊं, क्यों मलिका? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम्हारे तमाम अंदेशे और खदशात बेबुनियाद हैं। जानती हो तुम साजिश का हिस्सा हो, फिर भी चुप हो। मैंने अपने आका से कभी ख्वाब में भी बेवफाई नहीं की मेरी मलिका, और ना ही कर सकता हूं। आपके गुस्से की वजह अच्छी तरह जानता हूं। आप सफिया सुल्तान से बदला लेना चाहती थी, अपनी बहन का बदला। सो अगर मैं मारा जाता तो आपकी बहन का हिसाब बराबर हो जाता यकीनन। मैंने आका के लिए और खानदान आले उस्मान के लिए जो बेहतर समझा वो किया। याद रखो, तुम्हारी वालिदा पे एतबार नहीं कर सकती कभी। इस वक्त आपके सामने महज एक दरबाने खास नहीं है बल्कि एक शहजादा है। सो अपनी हद में रहे, क्योंकि मैं हूं आले उस्मान। देखो आका के नए घोड़े, दोनों कितने खूबसूरत और ताकतवर लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत हैं। तो
थोड़ी देर पहले मेरी वालिदा से बात हुई। जो तरबियत पे जाने का ख्वाब आप देख रहे हैं वो ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि वालिदा ने बात ही नहीं की आपसे इस बारे में। वालिदा ने मुझसे वादा किया है वो आजकल मैं आका से बात करेंगी। हो सकता है आपको टालने के लिए कह दिया, ये भी तो मुमकिन है। वो आपको तरबियत के लिए नहीं भिजवाएंगे। मुस्तफा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? इतनी अच्छी तकरीबात हो रही है महल में, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? किताब पढ़ रहा हूँ वालिदा, मुझे नहीं जाना। दवाई पी थी आपने? नहीं पी होगी यकीनन। आप ऐसा क्यों करते हैं मुस्तफा? हर किस्मत पीजिएगा शहजादे, आपकी वालदा नहीं चाहती कि आप जाए, आपको इसीलिए दवा दी है। मत पीछेगा। ये नहीं पीऊंगा मैं, इसको पी के नींद आ जाती है मुझे। ये आपको पीनी होगी मुस्तफा, अगर आप नहीं चाहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका आका को पता चले तो आपको पीनी होगी। शहजादे, ना खाने की कसम खा ली है, इस तरह तो बीमार हो जाएंगी। वालिदा, सिकंदर, शहजादे, मेरे शहजादे। आका ने मुझ पर रहम किया, जान बख्श दी गई मेरी। शुक्र है खुदा का कि तुम वापस आ गए। दुआ सुन ली रब ने हमारी, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं। मैं आपको फकत खुदा हाफिज कहने आया हूं। आका ने यह मुनासिब नहीं समझा कि मैं पाया तख्त में रहूं, यहां से दूर भेजा जा रहा है मुझे। यहां से फौरन ही रवाना होना है मुझे, यानी शहर बदर कर दिया है। एक दफा फिर इस खानदान, इस घर से दूर कर दिया तुम्हें। कम से कम ये इत्मीनान तो होगा कि आप जिंदा हैं। क्या आपको फौरन जाना होगा शहजादे? फिक्र मंद ना हो, ये जुदाई ज्यादा अरसे की नहीं, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम अपने शहजादे के बगैर नहीं रह सकते। हमारा
हमारे दिल में एक हसरत थी कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, और इस दुनिया के सामने चाहते थे कि आपको अपना कहें। अब आप यहां से दूर चले जाएंगे तो याद आएंगे बहुत। सिकंदर, जाने से पहले एक दफा क्या गले मिल सकते हैं हम? दरख्वास्त है। ज़ुल्फ़िकार, आका ने ज़ुल्फ़िकार पाशा को हुक्म दिया है। ये मेरे साथ जाएंगे। मतलब बकरी भेड़िए के साथ जाएगी? मलिका, जब सिकंदर की कोई हकीकत तक नहीं जानता था, मैं उस वक्त भी उसके साथ था। अपनी औलाद की तरह तरबियत की इसकी, कभी बुरा नहीं चाहा इसका। इन्हें शहजादा कहिए तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे बेटे हैं। इज्जत कीजिए। जो हुक्म मलिका, चले शहजादे। इजाजत है। आओ कौसम, इधर आओ। सिकंदर को माफ कर दिया आपने? सफिया सुल्तान ईद मना रही होंगी इस वक्त। चाहे कुछ हो जाए, वो अपने बेटे को तख्त पे बिठाने के लिए जरूर कोशिश करेंगी, और सिकंदर भी चाहेगा कि वो इस तख्त पे बैठ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं अहमद? अगर उसने दूसरे सूबे जाके बगावत कर दी तो वो आपके और आपके शहजादों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कौसम, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती, मगर अहमद यहां जज्बात से मखलूब हुए बगैर सोच समझ के फैसला करना होगा। सिकंदर जितना दिखता है उतना मासूम बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुम्हारे साथ खाई हुई सदाकत की कसम कब की तोड़ चुका, और जानते हो इक्तदार और तख्त के लिए नहीं, उसको लाहिक है इस कौसम सुल्तान का जुनून। जानता हूं कौसम, जानता हूं। मेरे आका, आपके हुक्म से जब मैं शहजादे सिकंदर को उनके घर लेने गया तो मुझे वहां से ये मिला। इसका मतलब यह कि वो गाफिल अपने दिल में हमारी मलिका के लिए कुछ जज्बात रखता था। लेकिन यकीन कीजिए, मलिका बेगुनाह है, उन्हें तो इसकी कोई खबर ही नहीं। मैं अपनी औलाद की सर की कसम खा के कहती हूं कि इसमें कसूर नहीं मेरा कोई। कौसम,
मुझे मालूम है मैं खुद पर शक कर सकता हूं, लेकिन तुम पर कभी नहीं। और जहां तक बात सिकंदर की है, उसने जो खयानत की है उसकी सजा उसे मिलेगी, जरूर मिलेगी। यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। उस दिन जब आका ने मुझे बुलाया तो मैं समझा सब खत्म, लेकिन मेरी गलतफहमी थी और वही हुआ जैसा हमेशा होता आया है। सच्चाई जीत गई। आका के सामने तुम दो मरतबा नौसीखिए की तरह पेश हुए सिकंदर, और दोनों दफा ही तुम नौसीखिए ही रहे, जबकि अब तुम एक शहजादे हो। ये सब सोचकर अभी भी मुझे बहुत हैरत हो रही है। वक्त बहुत कुछ बदल देता है पाशा। मैं भी बदल गया, लेकिन एक शय नहीं बदली, वो है आका के साथ मेरी वफादारी। मैं जानता हूं सिकंदर, जानता हूं। पिछले कुछ दिनों जो कुछ मालूम हुआ उसके नतीजे में अगर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा सिकंदर, या कोई दुख दिया, तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहें पाशा, आप तो बड़े भाई जैसे। ये कब्र मेरे लिए खोदी गई है ना, मुझे कत्ल करने का हुक्म मेरे आका ने दिया। मैं हुक्म का गुलाम हूं सिकंदर। शहजादे सिकंदर आपको सुल्तान अहमद ने गले में फंदा लगाकर सजाए मौत का मुस्तहिक ठहराया है। आगे बढ़िए शहजादे, सोच क्या रहे? आजादी आपकी मुंतजर है। कातिल हो, कातिल! ये कैसे कर सकते हो तुम? कैसे 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 कर सकते हो? कैसे? अहमद, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अनकरीब तकलीफ में तड़पते हुए जान दे दो तुम। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ कौसम, आज से तुम आजाद हो। क्या मतलब है इसका? لكم اعمالكم
हमारा निकाह हो रहा है कौसम, तुम्हारा और मेरा।